अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो फिजिक्स के बोरिंग लेक्चर से टोटली डिफरेंट। आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ ट्रिक्स के मुतालिक, वो ट्रिक्स जिनकी मदद से आप पेपर में इजीली 25 टू 30 मार्क्स सेव कर सकते हो। आपके पास मैथ्स का क्वेश्चन है, इस मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको अप्रॉक्सीमेट टाइम लगता है 25 मिनट्स, लेकिन आप श्योर नहीं हो पाते कि आपका जवाब करेक्ट है या रॉन्ग है या इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए था। आप यही सेम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आपको आंसर मिलेगा ओनली 5 सेकेंड्स में। अब आप सोचोगे सर 5 सेकंड में कैसे पॉसिबल है, सिंपल इस कैलकुलेटर की मदद से। उम्मीद करता हूँ ये कैसियो कैलकुलेटर ओरिजिनल वर्जन तमाम लोगों के पास मौजूद होगा। अगर ये कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है तो ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो का नाम है मेरे पास कैलकुलेटर ट्रिक्स, यानी कुछ ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो या फिर प्री मेडिकल के या फिर आप कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहे हो। तीनों ही ग्रुप के लिए वीडियो बेनिफिशियल है। इस ग्रुप ऑफ वीडियोस में मैंने कुछ टॉपिक्स मैथमेटिक्स के कोर्स से रिलेटेड भी मैंने शामिल किए हैं, तो उन वीडियोस के ऊपर आपको स्टार बना हुआ मिलेगा ताकि प्री मेडिकल के स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि उनके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन उनके लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि अक्सर प्री मेडिकल के स्टूडेंट को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे रहे हो तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, या फर्स्ट ईयर करने के बाद आप सेकंड ईयर के एग्जाम्स दोगे जब भी आपके लिए हेल्पफुल है, या फिर सेकंड ईयर करने के बाद आप ईकेट एमकेट की तैयारी कर रहे हो और एनईडी का टेस्ट दोगे। ये जो मेरी वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद मैं आपको डिफरेंट वीडियोस अपलोड करूंगा। उन वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, मैट्रिसेस को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को कैसे डील करेंगे कैलकुलेटर में, वेक्टर्स को सॉल्व करने का तरीका, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कैलकुलस, और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा मैट्रिक की। इन तमाम वीडियोस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो मैट्रिक का होगा, यानी मैथ्स ट्रिक वाली वीडियो तमाम लोग लाजमी देखिएगा। ये कैलकुलेटर का मॉडल नंबर लिखा हुआ है, कैलकुलेटर का फ्रंट साइड, कैलकुलेटर का बैक साइड। ये कैलकुलेटर आप लोग के पास मौजूद होगा, बैक कवर अगर मौजूद है तो इस पर कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए होंगे, उन नंबर्स को कैसे डील करेंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। तमाम लोग पहले ये सीख लीजिए कैलकुलेटर को रीसेट कैसे करते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, उनको कैलकुलेटर रीसेट करना नहीं आता और उनके कैलकुलेटर में एरर आ रहे होते हैं। तो जब भी आप कैलकुलेटर यूज करो अपने कैलकुलेटर को हमेशा रीसेट कर लो ताकि कोई उसमें एरर ना आए। तो आइए मैं सिखाता हूँ आपको कैलकुलेटर को कैसे रीसेट करते हैं। कैलकुलेटर को रीसेट करने के लिए आप शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करो। 9 के ऊपर देखो क्लियर की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई आ रही है। अब ये क्लियर का ऑप्शन दे रहा है, इसमें दे रहा है सेट एम मेमोरी ऑल, 3 पे लिखा हुआ है ऑल, तो आप 3 प्रेस करोगे, इस इक्वल टू प्रेस करो, आपका कैलकुलेटर रीसेट हो गया और रेडी टू यूज है। तो जब भी आप अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करो हमेशा कैलकुलेटर को रीसेट करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये मेरी तमाम वीडियोस आपको पसंद आएँ तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।